यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। आज एक बार फिर मुझे आपसे कुछ कहना है। हर रोज कहता हूं, हर रोज इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे आपका प्यार कहने के लिए मजबूर करता है। आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा मुझे बोलने के लिए विवश कर देता है। बोलना मेरा शौक नहीं है, बोलना मेरा शौक नहीं है, बोलना मेरा क्या हो सकता है, बोलिए, बोलना मेरा फर्ज है। और मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूं, कोई कथा नहीं करता हूं, मैं तो अपने लोगों से थोड़ा सा बतियाता हूं, उनसे थोड़ा सा संवाद करता हूं, उनसे थोड़ी सी मुलाकात करता हूं। एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक बुजुर्ग की हैसियत से आपके बीच में बैठ करके, आपके बीच में खड़े होकर के, आपके बीच में आकर के, आपके बीच में थोड़ी सी बातें करता हूँ, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। और एक ऐसी ही नसीहत आज फिर दूं, और नसीहत केवल इतनी ही है, माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। आप इस बात को काट सकते हैं क्या? मुनि तरुण सागर की बातों को काटना कोई मामूली बात नहीं है। और मैं जो कुछ भी कहूंगा, डंके की चोट कहूंगा, चुनौती से कहूंगा, छाती तान करके कहूंगा, ये मेरा गरूर नहीं है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा अनुभव है। कभी कभी आपको लगता होगा कि तरुण सागर की बातों में बड़ा गरूर होता है, बड़ा अभिमान होता है, बड़ा अहम है, बड़ा दम है। ना 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 ना, इस भ्रम में मत रहना। मैं प्रवचन में जितना प्रखर दिखता हूं, तेज दिखता हूं, उतना तेज हूं नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी मुझसे मुलाकात कर सकता है, और मेरे द्वार, संत निवास के द्वार एक बच्चे के लिए भी खुले हैं। अमीर आदमी के लिए ही नहीं, गरीब आदमी के लिए खुले हैं, असाधारण के लिए नहीं, साधारण के लिए भी खुले हैं। और जैनों की मैं कोई बपौती नहीं हूं, मैं सबके लिए हूं, क्योंकि सब मेरे। और मुझे सुनने के लिए जो लोग आते हैं, जैन उसमें केवल 10% होते हैं, क्योंकि वो हैं ही इतने। 100 करोड़ की पॉपुलेशन में हिंदुस्तान में केवल 1 करोड़ जैन हैं, और जो यहां 50,000 आदमी मौजूद हैं, इन 50,000 लोगों में बमुश्किल से 5-6-7-8 हजार जैन होंगे, 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। 40,000 जैन, 40,000 लोग इसमें इतर कौम से हैं, जैनेतर समाज के हैं। वो 40,000 लोग क्यों आते हैं? केवल इसलिए कि मेरे विचार प्रति मात्र के लिए है, मेरे विचार, मेरे अनुभव, मेरे तजुर्बा, मेरे प्रवचन, मेरे संबोधन, मेरी नसीहतें किसी एक वर्ग, एक समाज के लिए नहीं है। मैं सबके लिए, सबके हित में, सबके कल्याण में, सबके परमार्थ में, सबके भले के लिए कहता। और केवल मैं नहीं,
इस मुल्क का हर संत यही वक्तव्य देता है। दुर्भाग्य है कि आज हमने संतों को बांट दिया, समाज के नाम पर बांट दिया है, जाति के नाम पर बांट दिया है। ये जैन संत है, ये वैष्णव संत है, ये हिंदू संत है, ये मुसलमान संत है। अरे संत भी जैन और वैष्णव होता है क्या? संत भी हिंदू और मुसलमान होता है क्या? संत की भी कोई जात होती है क्या? हमने अपने स्वार्थों की वजह से संतों को बांट दिया, जमीन को बांटा हमने, आसमान को बांटा, अब हमने संतों को बांटना शुरू कर दिया। मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं कि संत किसी जाति का नहीं होता, संत किसी वर्ग का नहीं होता, संत किसी समुदाय का नहीं होता। संत को बांटना संतत्व की हत्या करने जैसा है। संत की जात प्रभु की जात एक होती है, पानी सबके लिए, वृक्ष के फल सबके लिए, सूरज का प्रकाश सबके लिए, चंद्रमा का चांदनी, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए है, इन फूलों की खुशबू सबके लिए है। तो संत के प्रवचन सबके लिए क्यों नहीं होंगे? सबके लिए ही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तीर्थंकर महावीर के परंपरा में संन्यास लेने का सौभाग्य मिला, क्योंकि महावीर एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने दुनिया के लिए वो सूत्र दिए जो आज भी प्रासंगिक है, चाहे वो अहिंसा का सिद्धांत हो, चाहे वो अपरिग्रह का सिद्धांत हो, और चाहे वो अनेकांत का सिद्धांत हो। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मुझे महावीर की परंपरा में जीने का सौभाग्य मिला। और महावीर जैन नहीं थे, महावीर जैनों की बपूती नहीं थे। जैन इतिहास उठा करके देखिए, जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और तीर्थंकरों के जो शिष्य थे वो ब्राह्मण थे। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, उनके जो गणधर थे, प्रमुख शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, वो सभी ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणों का धर्म है, ये क्षत्रियों का धर्म है, ये मनुष्यता का धर्म है। और इससे भी आगे अगर मैं कहूं तो ये प्राणी मात्र का धर्म है, जिसको आज हमने आपने जैन धर्म नाम दे दिया। दरअसल ये जन जन का धर्म है, ये जन मन का धर्म है, ये मन मन का धर्म है, ये हर जीवन का धर्म है। तो आज की नसीहत, आज की सीख आप जरूर याद रखें, खास करके इस देश की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का ये प्रवचन याद रखने जैसा है। यह वक्तव्य जो मैं दे रहा हूं, यह प्रवचन में जो दे रहा हूं, यह सूत्र में जो दे रहा हूं, यह फार्मूला में जो दे रहा हूं, यह नसीहत जो मैं दे रहा हूं, ये आज की नौजवान पीढ़ी को याद रखने जैसी है। माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्थर हृदय पाषाण हृदय बाप हो, उसे भी बेटी को विदा करते हुए रोना ही पड़ता है। पाषाण हृदय बाप, उसका जवान बेटा मर जाए तो उसको आंखों में आंसू ना आए, ये हो सकता है, मगर बेटी जब घर से विदा लेती है, डोली पर चढ़ती है और विदा होकर के ससुराल जाती है, तो पाषाण हृदय बाप भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसकी आंख से भी छर 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 आंसू बाहर निकलते। माँ बाप के हृदय में दो बार ही आंसू आते हैं, माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। अपनी ही औलाद मुंह मोड़ ले, फिर क्या बचा? दुनिया दुख, दुनिया मुंह मोड़ने चल जाएगा, रिश्तेदार मुंह मोड़ने चल जाएंगे, नातेदार मुंह मोड़ने चल जाएगा, सगे संबंधी मुंह मोड़ने चल जाएगा, मगर अपना ही खून अपनी ही औलाद अगर मुंह मोड़ ले तो ये दुख बाप के बर्दाश्त के बाहर होता है। इस दुख को माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सिर्फ दो बार माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं।
एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। और अगली बात जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा, पत्नी तो पसंद से मिल सकती है मगर माँ तो पुण्य से ही मिलेगी। बोलो आपको क्या लगता है, पत्नी पत्नी आप पसंद से चुन सकते हैं, पत्नी का चुनाव आप पसंद से कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ माँ तो पुण्य से ही मिलती है बाबा। और इसीलिए पसंद से मिलने वाली के खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। देश की नौजवान पीढ़ी से कह रहा हूं, देश के युवाओं से कह रहा हूं, देश के तरुणों से तरुण सागर कह रहे हैं, देश की तरुणाई से कह रहा हूं, पत्नी 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 पसंद से मिल सकती है, आप अपने पसंद की पत्नी ला सकते हैं, पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ माँ तो पुण्य से ही मिलेगी। इसलिए पसंद से मिलने वाली के खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना, उसकी पूजा कर, उसकी सेवा कर। उसकी सेवा किसी देवी की सेवा से कम नहीं है, उसकी पूजा किसी देवता की पूजा से कम नहीं है, उसके चरणों की धूल मंदिर के किसी चंदन से कम नहीं है। बड़े काम की बात है। देश की नौजवान पीढ़ी को, देश के नौजवान लोगों को, देश के युवाओं से मुनि तरुण सागर बहुत साफ शब्दों में यह शिकायत देना चाहते हैं, यह नसीहत देना चाहते हैं, यह समझदारी की फर्ज की बात बताना चाहते हैं कि पत्नी पसंद से मिल जाएगी मगर माँ मगर माँ मगर माँ मगर माँ पुण्य से ही मिलती है। इसलिए पत्नी जो पसंद से मिलने वाली की खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। अगली बात, जब तू बहुत छोटा था, जब तू बहुत छोटा था तो माँ की गैया से, तो माँ की सैया गीली रखता था, और अब जब तू बड़ा हो गया तो माँ की आंखें गीली रखता है, तो कैसा नालायक बेटा है। एक नजर अपने अतीत पर डालिए, एक नजर अपने अतीत पर डालिए कि जब तुम छोटे थे, जब तुम छोटे थे तो माँ की सैया गीली रखते थे, अब जबकि तुम बड़े हुए तो माँ की आंखों को गीली रखते हो, तू कैसा बेटा है, तू कैसा नालायक बेटा है। ऐसा कर्म करो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जीवन को देख करके माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर जाए। जीवन में ऐसे कर्म मत करो, जीवन में ऐसे कर्म मत करो, जीवन में ऐसे कर्म मत करो कि तुम्हारे दुष्कर्मों से देख करके, तुम्हारे दुष्कर्मों को देख करके माँ बाप को सुबह शाम आंसू बहाना पड़े और तुम्हारे लिए रोना पड़े। ऐसा कोई काम मत करो, ऐसा काम करो कि तुम माँ बाप के हृदय में दुख पहुंचेगा, उनके दिल से आह निकलेगी और वो आह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। जब तू छोटा था तो माँ की सैया गीली रखता था, यहां तक तो चल जाएगा, पर अब तू जब बड़ा हो गया तो माँ की गीली आंख रख, आंख माँ की आंख गीली रखता है, ये अच्छी बात नहीं। माँ बाप को खुशियां देना सीखो। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में खड़ा रहने दो, फल ना सही छाया तो देगा। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में खड़ा रहने दो, फल ना सही छाया तो देगा। माँ बाप बूढ़े हो गए तो क्या इसका मतलब है घर से बाहर निकाल। इस देश में वृद्धाश्रम खुलने लग गए, गौशाला पशुशाला की तर्ज पर वृद्धशालाएं खुलने लग गई, ये भारत जैसे मुल्क के लिए बड़े शर्म की बात है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता और देवता को देवता का दर्जा देने वाला मुल्क तो आज किस दिशा में जा रहा है। तरुण सागर सोच सोच करके परेशान,
गोशाला पशुशाला की तर्ज पर वृद्धशाला वृद्ध आश्रम खोले जा रहे, क्या जरूरत है इस मुल्क में वृद्ध आश्रमों की? क्या उनके बेटे मर गए हैं? क्या उनकी औलाद खत्म हो गई है? मैं तो सुबह रोज सो के जब उठता हूँ ना तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, राम और कृष्ण जैसे इस मुल्क में पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, महावीर और बुद्ध जैसे लोग इस मुल्क में पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, कबीर कुर कुंद कुंद जैसे लोग इस मुल्क में पैदा हो ना हो कोई बात नहीं, पर श्रीमण जैसे बेटे जरूर पैदा होना चाहिए जो माँ बाप की सेवा कर सके, माँ बाप के बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। हर दिन हर सुबह श्रीमण जैसे बेटा इस मुल्क में जरूर रोज रोज पैदा होना चाहिए। और ऐसे बेटे जब पैदा होंगे तभी तक इस देश का वजूद है, तभी तक इस देश का अस्तित्व। और ऐसे बेटा जब पैदा होना बंद हो जाएंगे तो भारत का गारत होना तय है, कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता, आप भी नहीं बचा सकते। तो जब तू छोटा था माँ की सैया गीली रखता था, अब तू बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली रखता है, तू कैसा नालायक बेटा है। ना, ना, ना। अगली बात, तूने जब धरती पर पहला सांस लिया तब माँ बाप तेरे पास थे, अब तेरा फर्ज है कि जब माँ बाप अंतिम सांस ले तो तू उनके पास रहना। सुन रहे हो ना, जरा गौर से सुनना, तुमसे ही कह रहा हूं, बाजू वाले को क्या देखते हो भाई, तुमसे ही कह रहा हूं। इस मुल्क में यही दुर्घटना होती है, तरुण सागर जैसे लोग जब कभी भी कहने के लिए बैठते हैं तो सुनने वालों को यही लगता है कि ये बाजू वालों को कही जा रही, सास सोचती है कि ये बात बहू के लिए कही जा रही है, बहू सोचती है बात सासू के लिए कही जा रही है, बाप सोचता है कि ये बेटा के लिए कहा जा रहा है, और बेटा सोचता है कि ये बाप के लिए कहा जा रहा है, आप सोचते हैं कि ये पड़ोसी के लिए कही जा रही है, और पड़ोसी सोचता है कि ये आपके बाप के लिए कही जा रही है, यही दुर्घटना घट रही है। जबकि मैं सिर्फ आपसे ही कह रहा हूं, इसलिए इधर उधर बाजू में आजू में झांकने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने गिरेबा में झांक करके देखो और सोचो कि ये बात तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। कि ये बात क्या, ये बात सच नहीं है कि जब तूने धरती पर पहला सांस लिया तो माँ बाप तेरे पास थे ना। हाँ, अब तेरा क्या फर्ज बनता है? तेरा फर्ज है जब माँ बाप अंतिम सांस ले तो तू उनके पास रहे। पास रहने से मत सिराने खड़े रहना और कहना कि डैडी वो धन कहां गाड़ रखा है, जाते जाते तो बता दो। इसलिए पास रहना, क्या पास रहना इसलिए कि डैडी कम से कम ये जमीन जायदाद मेरे नाम होना है, जरा इस पे हस्ताक्षर तो करते जाओ, इसलिए पास रहना क्या? अरे क्या बेवकूफी की बातें करते हो भाई, पास रहने से मेरा तात्पर्य, पास रहने से मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि माँ बाप की सेवा में होना चाहिए, माँ बाप की अर्चना में होना चाहिए, माँ बाप की इबादत में होना चाहिए, उनके सामने तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। वो समर्पण जो उनकी आत्मा को संतुष्टि दे, उनके जीवन में प्रसन्नता को दे, वो समर्पण सेवा में, शुश्रूषा में, आज्ञा में। इससे बड़ा प्रवचन और क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कुछ कहने के लिए बाकी रह गया हो। समझदार के लिए तो इशारे ही काफी होते हैं ना, और बेवकूफों के लिए तो तीर्थंकर भी कमजोर पड़ जाते हैं, वो भी आधे अधूरे। आप सब समझदार लोग, आप होशियार लोग, आप बड़े अच्छे लोग, एकदम सीधे साधे, जलेबी की तरह मीठे, जलेबी टेढ़ी होती है पर उसमें मिठास होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बात को समझिएगा, बात को जानने की कोशिश करिए, बात को पकड़ने की कोशिश करिए, और बात को सुनने के साथ जीने की भी कोशिश करिए।
एक बार फिर आज का वो सूत्र मैं रिपीट कर रहा हूं, वो नसीहत रिपीट कर रहा हूं। माँ बाप की आंखों में सिर्फ दो बार ही आंसू आते हैं, एक तो लड़की घर छोड़े तब, दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ तो पुण्य से ही मिलती है, इसलिए पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। जब तू छोटा था तो माँ की सैया गेली रखता था, अब जब तू बड़ा हुआ तो माँ की आंख गेली रखता है। तू कैसा बेटा है, धरती पर जब तूने पहला सांस लिया तो माँ बाप तेरे पास थे, अब तेरा फर्ज है, तेरी ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है कि माँ बाप जब अंतिम सांस ले तो तू उनके पास रहे। पूजा करता हुआ, एक बेटे के धर्म को निभाता हुआ, बेटा का धर्म भी धर्म है। धर्म का नाम कर्तव्य है, धर्म का नाम फर्ज है, उस फर्ज और कर्तव्य को निभाते चलिए, धर्म आपके साथ पीछे पीछे हो। धर्म बहुत व्यापक है, धर्म को चार दीवारों में नहीं बांधा जा सकता है, धर्म को चार दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता है। वो तो आकाश की तरह असीम है, सागर की तरह गहरा है, हिमालय की तरह ऊंचा है, फूलों से भी ज्यादा मृदु और मुलायम है। और जब ईश्वर के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए जाओ तो इस चक्कर में मत पड़ना कि गुलाब का चढ़ाऊं कि केवड़ा का चढ़ाऊं, गेंदे का चढ़ाऊं के चमेली का चढ़ाऊं, इस चक्कर में पड़ना ही मत। कोई भी फूल उठाना और श्रद्धा और भक्ति से चढ़ा देना। फूल चढ़ाने से तात्पर्य केवल इतना ही है कि जिस तरह से फूल कोमल और सुगंधित होता है, आपका जीवन भी उतना ही कोमल और सुगंधमय बने। और अगर इतना कोमल तुम्हारा जीवन बन जाएगा तो मुनि तनु सागर दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको ईश्वर के चरणों में जगह तो मिलेगी ही, हो सकता है ईश्वर के गले में भी जगह मिल जाए, और न सिर्फ चरणों में बल्कि गले में अपितु ईश्वर के सिर पर भी जगह मिल सकती, ईश्वर के सिर पर भी जगह, क्योंकि हम ईश्वर के सिर पे भी फूल चढ़ा देते। फूलों को केवल चरणों में जगह नहीं मिलती है, गले में भी जगह मिल जाती है, और कभी कभी तो सिर पर भी। अगर हम फूल जैसे कोमल, अगर हम फूल जैसे सुगंधित, अगर हम फूल जैसे निष्कपट, अगर हम फूल जैसे सुगंधमय बने तो हम ईश्वर के सिर पर भी जगह पाने के हकदार बन जाते हैं। ये कोई मामूली बात है क्या? हर बेटा माँ बाप की नजरों में गुलाब का फूल होता है, और माँ बाप की चाहत रहती है इस सुंदर फूल को देखें, इसको इसका एहसास करें। वो तो देख देख कर खुश होते हैं, फूलों को देखकर क्यों खुशी होती है। औलाद भी तो एक फूल है, चंपा का, चमेली का, केतकी का, जूही का, गेंदा का, ये भी सब फूल हैं। फूल अपनी खुशबू से लोगों को आह्लादित करता है, बेटा अपने सत्कर्मों से माँ बाप को आह्लादित करता है। बस यही मुझे आज कहना था, जो कह दिया, अब कहने को मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। क्रांतिकारी विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। ऐसा साहित्य जिसे आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका तरुण क्रांति। मंच ट्रस्ट 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 01292262549।
राम का जन्मदिन और मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी का जन्मदिन, त्रयोदशी को महावीर भगवान का जन्मदिन और पूर्णिमा को हनुमान जी हनुमान जयंती। जन्म महापुरुषों के जन्मतिथि मनाई जाती है। धन्य भई वह भारत भूमि जो वीरों की खान रही, धन्य वही वह मात गुलाबी ऐसे संतों को उपजाई, धन्य भई वह पावन भूमि जो ऐसा रत्न खिलाया है, और धन्य हुआ मेरा जीवन ऐसे गुरु को पाया है। जब आचार्य भरत सागर जी महाराज की लोहारिया गांव में छोटे लाल को कौन जानता था, इसका कारण उनके पास घर नहीं था धर्म था। आचार्य गुरुदेव विमल सागर की कृपा से उन्होंने बाल ब्रह्मचारी व्रत ब्रह्मचारी बने, क्षुल्लक बने, मुनि बने, उपाध्याय बने और आज आचार्य विमल सागर जी के वात्सल्य से और आपकी असीम गुरु भक्ति से आज भारत में आचार्य भरत सागर नाम से प्रसिद्ध हुए। छोटे होते हुए भी श्रेष्ठ बन गए, ज्येष्ठ बन गए। गुरु भक्ति के कारण, गुरु भक्ति ही आज मुक्ति का कारण है। गुरु भक्ति ही प्रत्येक भक्त का जीवन का वरदान है। मेरे लिए गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं त्रालिका तो संघ में आई उस समय उससे पहले 4-5 दिन आचार्य श्री मौन हो गए थे। परिवार लोग साथ में थे, वे कहने लगे आचार्य श्री बोलते नहीं मौन है, यहाँ रहकर क्या करोगे, दक्षिण में साधु बहुत है वहाँ चलो। मैंने मना कर दी, जो होगा सो देखा जाएगा। कर्म धर्म संयोग से 11 महीने 7 दिन बाद आचार्य श्री की भगवान महावीर निर्वाण के दिन दिव्य ध्वनि की, मेरा शुभ कर्म का उदय आ गया और उसी दिन मैंने आचार्य श्री से 5वीं प्रतिमा धारण कर ली। कुछ दिन जाने के बाद मैंने 7वीं प्रतिमा धारण किए और 7/7/2093 आषाढ़ शुक्ल अष्टमी भगवान भीमनाथ भगवान के निर्वाण दिन लाभो आरोग्य लाभो और दीर्घायु हो ऐसे वीर प्रभु की चरणा करके एक बात एक रह गई। आचार्य श्री ने मेरा नाम बाहुबली गोमतेश्वर जैसे टैप करके संचित कर्मों का क्षय करो करके मेरा नाम गोमतेश्वर मती रद्द कर मुझे धन्य किया है। आचार्य श्री को आरोग्य लाभो दीर्घायु लाभो यही प्रार्थना करती हूँ। जब लो महावीर भगवान की जय। उस समय चारों ने कहा वही हम आज परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के जन्मोत्सव का खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री चरण वंदन करने के लिए आमंत्रित हैं पंचरत्न जी। बोलिए आचार्य विमल सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य भरत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की गहरी गहरी नदिया नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा गुरुवर तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदिया नाव बीच धारा है, बस जाओ ज्ञान की ज्योति जलाओ। गहरी गहरी नदिया नाव तेरा ही सहारा प्रभु,
तेरा ही सहारा है गहरी गहरी नदिया डगमग करती है ये कर्मों के भार से मार्ग भूल रहे घोर अंधकार से डगमग करती है ये कर्मों के भार से मार्ग भूल रहे घोर अंधकार से डूबती इस नाव का ही तू ही खेवनहारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है प्रभु जी मन मंदिर में आओ नैनों में बस जाओ ज्ञान की ज्योति जलाओ गहरी गहरी नदिया नाओ बीच धारा है तेरा ही सहारा गुरुवर तेरा ही सहारा है गहरी गहरी नदिया बीत राग छवि तोरी लगे अति प्यारी है चरणों में जाऊं ना बलि बलिहारी है छवि तोरी लगे अरे तेरा ही सहारा गुरुवर तेरा ही सहारा है धन्यवाद। अब मैं परम पूज्य वाणी से हम सभी को लाभ करें परम पूज्य जानकारी भरतेश्वरी माता जी।